100 मोमोज ईटिंग मकबैंग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ भाई 100 मोमोज और हम ट्राई करने वाले हैं सबसे ज्यादा मोमोज खाने का। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले है क्या मेरे पास। चिकन मोमोज मैं लेके आया हूँ भाई 50 पीस बिकॉज मेरे फेवरेट है भाई ये चिकन मोमोज। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ 30 पीस पनीर मोमोज और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है 20 पीस वेज मोमोज यानी कि पत्ता गोभी वाले मोमोज। और वैसे चटनियां बहुत सारी है मेरे पास और उसके साथ मैं लेके आया हूँ भाई कोका कोला। सबसे पहले कोका कोला से स्टार्ट करते हैं। मेरे फेवरेट है भाई चिकन मोमोज और चिकन मोमोज से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये ना स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज है और जहां से मैं लेके आया हूं ना मेरे लोकल है, काफी बढ़िया लगता है इनका टेस्ट मेरे को। चटनी हो ना यहां बीच में लगा देता हूं, मेयोनीज और रेड वाली चटनी। क्या बेहतरीन चिकन वाले मोमोज हो रहे हैं। अब चलो पनीर मोमोज ट्राई करते हैं, मेयोनीज और लाल वाली चटनी। काफी ज्यादा डिफरेंट फ्लेवर है इनका। जो पनीर वाला मोमोज है ना मैं बहुत दिन बाद ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मेरे को हो गए होंगे 6 महीने हो गए होंगे मैंने इनका मोमोज ट्राई नहीं किया पनीर वाला। बेहतरीन। चिकन मोमोज का ना मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देखो अंदर की फीलिंग देखो। पनीर मोमोज मिले इनके बेहतरीन हो रहे हैं। चिकन मोमोज और पनीर मोमोज तो खा लिए, अब चलो वेज वाले ट्राई करते हैं, गोभी वाले मोमोज। ये देखो फिलिंग तो करी हुई है अच्छी खासी। पर इनका ना चिकन वाले मेरे फेवरेट है। आप ना नीचे कमेंट करके बताओ मोमोज को आप मेयोनीज के साथ भी खाते हो या फिर सिर्फ लाल चटनी के साथ। भाई मैं तो दोनों को ही मिक्स कर लेता हूं। इनकी जो है लाल वाली चटनी ना काफी ज्यादा स्पाइसी हो रखी है इसलिए मेरे को मेयोनीज के साथ डिप करना पड़ रहा है। मेरे को ना लाए हुए कम से कम 1 घंटा हो गया और मोमोज का जो ऊपर का लेयर है ना बिल्कुल टाइट हो गई है।
मोमोज के ऊपर की लेयर इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है ना, चबाने में इतना टाइम लग रहा है। दूसरी चीज टेस्टी बहुत है, पर वेज मोमोज रेड वाली चटनी इतनी स्पाइसी है ना, मेरे से खाई नहीं जा रही। मैं मोमोज ऐसे ही खा रहा हूँ। धीरे धीरे ना मेरा पेट भी फुल होने लगा है, इतना मैदा है ना भाई इसमें। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट मोमोज कौन सा है। अब मोमोज की जो ऊपर की लेयर है ना, इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है, स्वालो करने में भी दिक्कत हो रही है भाई। देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मकबैंक पूरा कंप्लीट हो पाएगा। मैं तो दिक्कत होने लगी है खाने में, मैंने तो गिना भी नहीं भाई कितने पीस मैंने मोमोज खा लिए हैं। 100 मोमोज का मकबैंग है, पता नहीं भाई कितना ज़्यादा खाओ। देखो यार, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मकबैंग कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा खा लिया मैंने। दुकान पे जहाँ से मैं लेके आया हूँ, एक प्लेट में 10 पीस मोमोज होते हैं और मैं वैसे 10 प्लेट लेके आया हूँ। पता नहीं यार कितने प्लेट खा लिए होंगे, चलो गिन के देखें। चलो गिनता हूँ जल्दी से मैं। 12 पीस बचे हैं वेज मोमोज, 18 पीस बचे हैं पनीर मोमोज, 32 पीस बचे हैं चिकन मोमोज। तो टोटल बताओ भाई, अब जल्दी कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितने मोमोज बचे हैं। अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा और थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। वीडियो जब स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा लगता है सब खा जाएंगे, पर एंड होते होते ना उतना ही स्लो हो जाते हैं भाई। आप सब नीचे कमेंट करके बताओ कि वन सिटिंग के अंदर आप कितने मोमोज खा सकते हो। अब चलो मैं भी गिन लेता हूँ कितने मोमोज मैंने और खाए हैं। 10 पीस बचे हैं वेज वाले मोमोज और 15 पीस बचे हैं पनीर वाले मोमोज, 30 पीस बचे हैं भाई चिकन वाले मोमोज। अब टोटल हिसाब बताओ कितने हो गए, 55 पीस बचे हुए अभी मेरे पास। हाफ सेंचुरी कंप्लीट तो हो सकती है, मतलब 5 मोमोज और मैं खा तो सकता हूँ वैसे। चलो कोशिश करते हैं, 50 तक तो जाता ही हूँ यार, मतलब बनना तो मजा ही नहीं आएगा। आधा मोमोज तो खत्म करना ही बनता है। मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा यार मोमोज का, अजीब सा लग रहा है। एक मोमोज और खा लिया है तो टोटल यहाँ पर 54 मोमोज और बचे हुए हैं। 4 और खाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। देखो थोड़ा रुक के 15-20 मिनट रुक के मैं और खा सकता हूँ, पर उसका फायदा नहीं है, बिकॉज मैं चाहता था कि वन गो में मैं कितना खा सकता हूँ, एक बार बैठ के कंटिन्यू 46 मोमोज में खा सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे क्या और ज्यादा मैं खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। पर आज की वीडियो में टोटल मैं सिर्फ 46 मोमोज ही खा पाया हूं, और आप कितना वन सिटिंग में खा सकते हो वो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो के अंदर क्या आपको अच्छा लगा और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो। इस चैनल पे आपको फूड वीडियोस ऐसे ही मकबैंग आपको मिलते रहेंगे, फूड रिव्यूज प्लस मकबैंग। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इसी बात पे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अगर ऐसा ही खाना देख के आपको भूख लगती है तो भाई जल्दी जाओ खाना खाओ, मतलब रिस्पेक्ट द फूड यार। जिंदगी में ना फूड से बेटर कोई चीज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, तो जज मत करना। मुझे फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर 54 पीस मोमोज बचे हुए हैं तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, घर वाले सारे के सारे खा लेंगे भाई, बहुत बड़ी फैमिली हमारी, तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि खाना वेस्ट होता है। बिल्कुल भी मेरे फूड ब्लॉग में कोई भी खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद खाना वेस्ट करना पसंद ही नहीं है। तो इसी बात पे बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वन सिटिंग में आप कितने मोमोज खा सकते हो। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।